नमस्कार भाई दोस्तों, वीडियो सीरियस है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो नस्ल और फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आज़ादी के बाद दो आंदोलन ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा और दूसरा हुआ था किसान आंदोलन, जो पूरी दुनिया में फैल गया था। पूरी दुनिया ने एक शिक्षा ली थी कि इस आंदोलन के जरिए हमारे को भी आंदोलन करना चाहिए। दुनिया में आंदोलन चलाया था इनके नाम से। इन आंदोलनों से मिला क्या? जाट आरक्षण आंदोलन से हरियाणा को क्या मिला, और जो किसान आंदोलन हुआ था उससे, जो विशेष तौर पर बताते पंजाब से उठा था, तो पंजाब को क्या हासिल हुआ? बिल्कुल आराम से बताएंगे। वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि कोई हवा में बात की जाएगी, सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ दिखाया जाएगा। हम अगर सरकार गलत करती है उसके विरोध में हम आंदोलन करते हैं या अपनी मांग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब अपने ही कुछ गलत कर जाए और अपने ही अपनों के साथ खेल जाए तब क्या करें? सोचने वाली बात है। एक बात बोलते हैं कि पंजाब वाले जो होते हैं हजारों साल तक दुश्मन को याद रखते हैं, लेकिन ये तो कुछ महीनों तक भी याद नहीं रख पाए। तकलीफ होगी, सबको होगी, मेरे को पता है। बहुत से लोग आएंगे टांग खिंचाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पूरी बात को ध्यान से सुनना और हाँ, अपनी राय जरूर रखना, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था हरियाणा में, सबको पता है, सरेआम गोलियां मारी गई थी, सब कुछ किया गया था, हजारों कई सौ करोड़ रुपए का चंदा लेके, और वो चंदा खा गए थे लोग, क्या मिला क्या भाई हरियाणा को? क्या मिला? बच्चे जेल में गए, केस मिले, लाठियां, डंडे, गोलियां, यही सब तो मिला। जो आया था उत्तर प्रदेश से, आया था एक नेता बनाया था हरियाणा ने उत्तर प्रदेश से आने के बाद, वो कई सौ करोड़ रुपए लेके भाग गया, अपने मॉल खोल लिए दिल्ली में जाके, वही फिर एक्टिव हो गया हरियाणा में। फिलहाल 2023 की बात कर रहे हैं हम, अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, फिर एक्टिव हो गया। अब की बार वो पैसे नहीं मांग रहा, अब की बार चून मांग रहा है, उनका इलाज होना चाहिए। आपको वो चीज़ें बिल्कुल दिखाएंगे, वीडियो तक दिखाएंगे, प्रूफों के तौर पर आपको वीडियो तक दिखाए जाएंगे। सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बात सीरियस है, पूरी बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो शेयर इसलिए कर देना सभी भाइयों के पास पहुँच सके, सभी के पास पहुँच जाए। आते किसान आंदोलन के ऊपर, किसान आंदोलन होया पूरी, पहले तो सबको ये पता नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नेताओं ने जो भी आदेश दिया, जो भी एसकेएमसी आदेश आया, हर एक आदेश मानने गया था। उसमें एक बात उठी थी, अगर आपको याद हो तो, याद हो तो ही बताना, एक बात उठी थी कि जो ये साइलो बन रहे हैं ना, साइलो, इनको बंद करवाया जाए। तो लोगों ने क्या बोला था, कोशिश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं, किसान नेताओं ने इतना ध्यान नहीं दिया साइलो की तरफ। अब उन साइलों का परिणाम क्या हो रहा है? जो आपकी रोटियां ना, रोटियां तिजोरियों में बंद होने जा रही हैं, आने वाले समय में ऐसी भूखमरी फैलेगी और अनाज इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकेगा, खरीद ही नहीं पाएगा गरीब आदमी। चलो आपको पंजाब का ही सीन दिखा देते हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, पंजाब का सीन दिखाते हैं और फिर बताते हैं। मोगा के पास साइलो है, अंबानी रिलायंस का साइलो है ना, उस रिलायंस के साइलो में तो लाइन लगी हुई है अनाज डालने वालों की। फिर किसानों इतनी जल्दी क्यों भूल गए भाई कि यही हमारे को लूटने वाले थे, फिर आप उन्हीं के पास जा रहे हो अनाज लेके उन्हीं के पास जा रहे ताकि तिजोरी हम बंद हो जाए। उसके साथ के साथ आपको पता है दाना मंडी जो सरकारी मंडी है उसके अंदर कोई नहीं जा रहा, दो ट्रक अनाज मुश्किल से पहुंचा दाना मंडी के अंदर। ये लो पहले आपको दिखा देते हैं, लाइन देखो कितनी लंबी है। ये भाई ने वीडियो बना के भेजा मेरे पास कि बोला ये दिखाना एक बार, ये किसान खड़े लाइन लगा के रिलायंस के साइलो में अनाज डालने के लिए, देख लो एक बार लाइन को, वो साइलो दिखाई दे रहा होगा आपको, रिलायंस साइलो है वो, और ये लाइन देख लो कितनी लंबी लाइन है, ये साइलो में लाइन लगी हुई है इतनी लंबी। इस लाइन को देखोगे ना आप, देखते रह जाओगे, वीडियो मंगवाया था मैंने अपन वहाँ के, मखा दिखाना कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वो लाइन दिखाने के लिए। दाना मंडी में कोई नहीं जा रहा, सरकारी मंडी उसमें कोई नहीं जा रहा, अभी भी नहीं समझे आप समझोगे भी नहीं, आपकी रोटियां तिजोरियों में जा चुकी है, गरीब आदमी ना भूखा मर जाए आने वाले समय में, तो याद रखना। जाट आरक्षण आंदोलन से हरियाणा को क्या मिला था पता है ना? जाट आतंकवादी, जाट हत्यारे, जाट बलात्कारी नहीं हुए था क्या? पूरी दुनिया के अंदर मशहूर, पूरी दुनिया में, विदेशों तक मशहूर कर दिया गया था आपको।
और वही लोग फिर आ रहे हैं चंदा मांगने के लिए, हरियाणा के अंदर फिर चंदा मांगने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हिंदू मुस्लिम बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, बड़ी मुश्किल से अभी धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे थे, लेकिन फिर वही हिंदू मुस्लिम का खेल उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू कर दिया गया है। जो भी था वो जो गैंगस्टर था, जो कुछ भी था अतीक अहमद, उसको इतना क्यों दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर बार बार? अभी भी नहीं समझे, टीवी के अंदर बार बार उसी को दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसी को दिखाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में और कोई समस्या नहीं है? अतीक अहमद था, मारा गया, अपराधी था, मारा गया, साइड करो ना उसको, अपराधी था, उसको इतना दिखाना क्या जरूरी है क्या टीवी के अंदर? किसानों को दिखा रही क्या गोदी मीडिया? दिखा रही है किसान की फसल जो बर्बाद हुई? दिखाया एक बार भी? जितना इस अपराधी के ऊपर फोकस किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, सिक्कों की खनक में मुजरा करने वाली है गोदी मीडिया। तुम पैसे दे दो, तुम्हारे कुत्ते की न्यूज दिखाएंगे पूरे दिन तुम्हारे कुत्ते की न्यूज दिखा देगी गोदी मीडिया। पैसों के लिए ये है ना, समझ गए हो ना, उससे भी ज्यादा गिर सकते हैं, उससे भी ज्यादा गिर सकते हैं पैसों के लिए ये लोग, और गिरे हुए हैं। कोई किसान, कोई किसानों के ऊपर चर्चा नहीं, कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर चर्चा नहीं, बस वो मारा गया। अभी देखिए पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, क्या पार्ट चला रहे हो आप? दिखाना क्या चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? और फिर चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो आया हुआ, उसको कर्नाटक से भी जोड़ दिया, उसको पंजाब से भी जोड़ दिया उस घटनाओं को। शुक्र है कि हरियाणा बच गया आपकी बार, नहीं तो जोड़ देंगे हरियाणा से भी इस घटना को, हरियाणा से भी जोड़ देंगे ये लोग। पता नहीं क्यों लोगों की समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा लोगों को कि आपको बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। कितने, एक दो नहीं, हजारों हजार वीडियो दिखा दें आपको केजरीवाल के, जो पहले कुछ बोलता था अब कुछ बोलता है, हजारों हजार वीडियो। नहीं तो सबसे ताजा उदाहरण है ना, पंजाब का ही ले लीजिए, पंजाब का सबसे ताजा उदाहरण बताते हैं। वीडियो आता है अरविंद केजरीवाल साहब का, भगवंत मान साहब का, धन्यवाद अमित शाह का, बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब से उग्रवाद को मिटाने में इतनी मदद की। फिर जैसे ही केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया, भगवंत मान भी शुरू हो गया, ये अमित शाह प्रेशर डाल रहा है, अमित शाह दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर, केजरीवाल भी शुरू हो गया, पूरी आम आदमी पार्टी शुरू। कल तक तो धन्यवाद दे रहे थे, अब अमित शाह प्रेशर डाल रहा है। जब अमित शाह वो कर रहा था पंजाब से आतंकवाद के नाम पर, जो भी चाहे आम इंसानों का भी सफाया कर रहा था, तब तो बड़ा धन्यवाद किया। जब तुम्हारी पूछ पे पैर रखा तो अमित शाह गलत हो गया। यहीं हम मार खाते हैं यहीं पे, जब तक इन नेताओं की मानते रहेंगे। बताया था अच्छे और सच्चे को चुनना सीखो। किसान आंदोलन के बाद बहुत बड़ा बदलाव किया पंजाब ने, सरकार ही बदल दी पूरी, भणुए एमएलए दे दिए, क्या मिला भाई? वही लाठियां, वही डंडे फिर मिल रहे हैं, वही जेल, वही बच्चों को उठा के जेल में डालना फिर वही मिल रहा है ना। फिर बदलाव क्या किया? जिस आंदोलन से बोल रहे पूरी दुनिया में बदलाव आया, और जो जहां से आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, वहां पे कौन सा बदलाव आ गया? कोई बदलाव नहीं आया ना। जिस जाट आरक्षण की वजह से पूरी दुनिया में जाट बदनाम हो गए थे, और वही लोग आके फिर चंदा मांग रहे, फिर चंदा मांगेंगे, फिर सरकार के चरणों में बैठ जाएंगे, वोटें फिर जाएंगी सरकार के पास। क्या बदलाव, क्या सीखा हरियाणा ने? कुछ सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। हिंदू मुसलमान से बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश बाहर निकल पाया था, लेकिन फिर वही डर्रा, फिर वही पुराना हिंदू मुसलमान शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई बदलाव आया? फिर हम क्यों कहते हैं कि बार बार बदलाव आता है? क्यों कहते हैं? ये तो फिर चक्कर में है कि हम कोई आंदोलन करें। अरे तुम आंदोलन करने के लायक हो ही नहीं, इस लायक ही नहीं हो कि तुम आंदोलन करो। पैसे का खेल है हर एक जगह पे, चंदा इकट्ठा करते हैं, बस अपना चुनाव लड़ते हैं, बाढ़ में जाओ किसान, बाढ़ में जाओ जवान, यही सब चल रहा है। तो फिर क्यों ना इन पार्टियों को ही ठीक कर लिया जाए, या तो इन पार्टियों को ठीक करो या फिर अपने कैंडिडेट चुनो, एक ही तरीका हो सकता है। नहीं तो फिर कभी किसान नेता, कभी मजदूर नेता, कभी किसी पार्टी का नेता, कभी कांग्रेस नेता, कभी बीजेपी नेता, कभी आम आदमी पार्टी नेता, वो बस आंदोलन पर आंदोलन करते रहेंगे, तुम झंडे उठाकर चलते रहो साथ में। अभी कुछ दिन पहले देखा था ना, गृहमंत्री अमित शाह की जो रैली चल रही थी, रैली में धुआंधार भाषण चल रहा है, पीछे लोग मर रहे हैं, किसी ने ध्यान दिया? दिखाया गोदी मीडिया ने? नहीं दिखाया ना, और ना ही दिखाएंगे। आम इंसान की कोई कदर ही नहीं यहाँ पे, आम इंसानों से ज्यादा तो यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की भी कदर है। सिर्फ वोटों के लिए यूज किया जाता, और तुम यूज होते हो तुम। अगर जिसने भी पूरा वीडियो सुना होगा ना, ध्यान से सुना होगा, कमेंट वही करना, वही आपका कमेंट नहीं चाहिए। जिसने पूरा वीडियो सुना होगा तब कमेंट से अपने आप समझ जाएंगे कि पूरा वीडियो सुना किसने। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर देना ताकि लोगों की आँखें खुल जाएँ लोगों की। और हाँ, हद से भी ज़्यादा भयानक खेल होगा अभी पंजाब के साथ भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, विशेष तौर पर कह रहा हूँ हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, चार जगह पर दबा के खेल चलेगा। कर्नाटक में तो चलना ही चलना है, हर एक जगह पे अब दबा के खेल चलेगा। इस खेल से अगर बचना है ना, तो आप जितना भी ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ, जो आवाज़ उठा रहे हैं उसका सही उपयोग करो। भाई यही रिक्वेस्ट है, कोई भी आवाज़ उठा रहा है
वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी, बात हक और सच की जाएगी। अरे यूट्यूब पर चैनल बनाया ना, बात हक और सच की जाएगी। अगर हम पार्टी का या जो सत्ता में बैठे उनका विरोध कर सकते तो हमारे जो गलत कर रहे हैं ना उनका भी विरोध करना सीखिए। और मुबारक हो पंजाब को एक नया नेता मिलने जा रहा है, इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। जल्दी 10-15 दिन में लॉन्च होने वाला है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।